जी पहुंच गया मरीन लाइन, पूरा 1.5 घंटा लगा मुझे यहाँ पहुँचने में, और अभी जाऊंगा मरीन ड्राइव और आप लोगों को दिखाऊंगा मरीन ड्राइव होता कैसा है भाई। ठीक है, पूरा 1.5 घंटा लगा मुझे। गाइस मैं पहुंच गया हूं मरीन ड्राइव, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं आज मरीन ड्राइव का ब्लॉग बनाऊंगा, तो गाइस ये मरीन ड्राइव थोड़ा डिटेल के साथ बताऊंगा मैं यहां के बारे में। थोड़ा फिलहाल मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूं यहां का। ठीक है, मरीन ड्राइव के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो ये पत्थर है ना, ये पत्थर आइस ऑफ अट्रैक्शन है, और यहाँ पे जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, पूरा लाइन मिल जाएगा आपको। और ये जो सड़क देख रहे हो ना, यहाँ पे लोग रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, शाम होती है। हाई क्लास के लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोगों के पास इतना फुर्सत नहीं है कि यहाँ पे आके वर्कआउट करें, तो जो भी करते हैं वो हाई क्लास लोग होते हैं। और यहाँ के जो बिल्डिंग्स दिखाई दे रहा है आपको, ये 1 BHK यहाँ पे 2.5 करोड़ है, यहाँ का 2.5 करोड़ रुपए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सी पैस है और यहाँ पे हाई क्लास लोग ही रहते हैं यहाँ पे, मिडिल क्लास लोगों की बस की बात नहीं है यहाँ पे आके रहना। ये थी एक बात, और यहाँ से जो व्यू सारे पैसे व्यू किए हैं। ठीक है, अंधेरा यहाँ से अच्छे से आता है, अब आएगा ब्लॉग। आपका नाम बोल दो। निमित। निमित, और आपका? ऋषभ। ऋषभ, ये लोग बोरीवली से आए हैं यहाँ पे मरीन लाइन से। ये मरीन लाइन बोलते ना, मरीन ड्राइव बोलते, इसको मरीन ड्राइव बोलते हैं, मरीन लाइन स्टेशन का नाम है। तो मरीन लाइन स्टेशन का नाम है और इस जगह को मरीन ड्राइव बोलते। मेरा नाम, मेरा जो चैनल का नाम है वो राजू जोन ब्लॉग है, आप चेक कर राजू जोन ब्लॉग। ठीक है, मैं अभी चेक कर लेता। मिलते आप लोगों को बहुत खुशी मिला। वैसे ऐसे लोग अगर बात नहीं करेंगे अच्छे से, जानेंगे बात करके जाने पहचान होता है ना। मैं मीरा रोड से, वो वांखड़े स्टेडियम है, और आप थोड़ा और आगे जाओगे ना तो आपको डीवाई पाटिल स्टेडियम आएगा। गाइस इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है अभी जस्ट देख के, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और दोस्तों थोड़ा तेरा दोस्त को ही शेयर करना, और आप ठीक है दोस्तों को शेयर करना, और अभी स्मॉल क्रिएटर हूँ मैं, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं, थैंक यू। जस्ट अभी 2 सब्सक्राइबर मिला मुझे, सब्सक्राइबर खुद बनाया बात करके, मुझे पूछ रहा है मैं ब्लॉगर हूँ। हाँ मैंने ये बोल दिया, हाँ भाई मैं ब्लॉगर हूँ, छोटा ब्लॉगर बोले तो स्मॉल क्रिएटर। ठीक है, तो वर्क कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, आगे जाके देख रहा हूँ इस थोड़ा आगे क्या क्या दिखाई देता है, पता तो चला। वानखेड़े स्टेडियम के सामने हूँ, वानखेड़े स्टेडियम का लाइट यहाँ से दिखाई देता है, ये है वानखेड़े स्टेडियम के लाइट जो मैं दिखा रहा हूँ। गाइस ये है एंट्री गेट नंबर 3।
वानखेड़े स्टेडियम का। अभी मैं ये पत्थर पे चढ़ूंगा। अभी अगर यहाँ से गिरा मैं, मेरा मुंह तो तोड़ेगा ही, साथ में मेरा फ़ोन भी चला जाए, लेकिन यहाँ का फीलिंग ही कुछ और है यार, क्या बोलूँ। यहाँ पे लाइक ऐसा है ना, मैं कुछ मत बोलो, लाइक चुपचाप बैठे रहो और बस चिल कर, वैसा वाला सीन है यार, इतना आनंद। लाइक लाइफ से परेशान हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, हमें तकलीफ में रहते, ट्रबल में रहते, उन लोगों को ऐसे जगह पे आना चाहिए, आके अकेले चुपचाप बैठे रहो एक ही जगह बस। यहाँ का आगे देखो और बस आनंद लो, मजा लो। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा अभी फिलहाल। मैंने जितना आप लोगों को दिखाना था, कवर करना था, मैंने दिखा चुका हूँ मरीन ड्राइव के बारे में। तो गाइस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और इससे अच्छा अच्छा वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे राजू जिन ब्लॉग। हास्ता ला हिस्ता, बाय बाय।